A dishonest grocer sells rice at a profit of 10% and also uses weights which are 20% less than the market weight. The total gain earned by him will be. एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन से 20% कम तौलता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखिएगा, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है, यानी 10% लाभ बोले तो 100 के बदले वह कितना पर बेचता है? 110, लेकिन वजन में 20% कम तौलता है, यानी तौलता कितना है? 100 ग्राम न तौल के 80 ग्राम ही तौलता, अब इसकी तो काम खत्म है। तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए, पूछा है कि प्रतिशत लाभ, फॉर्मूला आप जानते, अगर नहीं जानते तो पार्ट वन और पार्ट टू जाकर देख लीजिएगा। तो त्रुटि बटे तुलना गुने 100, अब गौर कीजिए कितने का त्रुटि कितना का किया, यहाँ पे गौर कीजिए 110 से 80, यही है ना आपका, तो यहाँ पे त्रुटि की बात करें तो 30 का त्रुटि कर रहा है, लेकिन रियल में अगर हम बात करें तो कितने पर, यहाँ पे जो तौल रहा है कितना तौल रहा है, 80 तौल रहा है, और गुने 100 कर देंगे परसेंट के लिए, 20 चक्का 80 20 25 है, 2 2 4 2 से 15, यानी 75/2 कीजिएगा तो 37.5% का वह लाभ प्राप्त कर रहा है। फिर से देखिएगा, चूंकि एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है, तो 100 का चावल बेचता है 110 पे, और साथ ही वजन से 20% कम तौलता है, यानी वजन 100 तौलना चाहिए तो 80 ग्राम ही तौलता है, देख रहे हैं, तो 80 ग्राम ही तौलता है, और वहां पे देखिए तो प्रॉफिट उसको तो 30 ग्राम का होगा, 110 माइनस 80, और तुलना अगर कीजिएगा तो तुलना करिएगा तो तुलना जो वो कौन होती है, जो वह तौलता है, तो 80 तौलता है तो 80 नीचे रख दिए तो 37.5% आपका ये आंसर हो जाएगा।